माइनक्राफ्ट में हो रहे डायमंड की चोरी को रोकने के लिए हम और आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे और आपके आगे आने के बाद ही वेलकम दोस्तों, कैसे हो? गुड इवनिंग सबको। डे नंबर 293 पे हम लोग आ गए हैं। स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 15 में। आप पीछे देख ही रहे होंगे, एक अजीब सा घटिया सा बदसूरत सा फार्म बनाया है। बदसूरत फार्म बनाना ना भाई, मेरा एक PhD है, ठीक है? मैंने बहुत बड़ा इसमें महारत हासिल की है। और ये कौन आ गया यार, ये फकीर लोग आ गए हैं। देखो ना, इसके पास सबसे घटिया आइटम होगा, जिसके पास सही आइटम नहीं रहेगा तो उसको मैं उड़ा दूंगा। और देखो ना, अकल का अंधा देखो कहाँ स्पॉन हुआ है। एक पैर फिसला तो ये भैया जी गायब हो गए। चलो देखिए, इसके पास अच्छा चीज रहेगा तो दिया जाएगा। ये क्या है? ब्लैक डाई एमाइंस पॉटजॉल। पॉटजॉल का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन यार मेरे को इसका लीड चाहिए, ठीक है? तो मैं लीड लेने के लिए क्या करूँगा पता है? ये करूँगा, आई एम सॉरी। अरे इसको मार रहे थे, नहीं मारता है क्या? थूकता है ना ये? नहीं थूक रहा, देख रहे हो कैसा मालिक आदमी है, देख रहे हो? अबे थूक रहा है यार। थूक रहा है मेरे ऊपर, थूक रहा, देख रहे हो? नेदर राइट है ये लवेट्टा। देखो मैंने इसलिए मारा ना क्योंकि मेरे को चाहिए था ये लीड, चाहिए था एक और लीड चाहिए था। अरे यार आ जाओ तुम भी आ जाओ, जाओ तुमको अपने दोस्त से मिलने जाना है ना, जाओ अपने दोस्त से मिलाओ। मेरे पास जो घोड़ा है ना, इधर उधर भागने निकल जाता है। दो घोड़े हैं, स्केलेटन हॉर्सेस, एक घोड़ा है यहाँ, घोड़ा इसको यहाँ पे बांध देते हैं। क्यों यार, ये पता है एकदम लवारिस कुत्तों के जैसे लोग भाग रहे थे, जैसे में हो जाएगा गुड। चलिए गाइज, आज हम आपको दिखाते हैं कि आज हमने एक नया फार्म बनाया है जिसका कहते हैं हम लोग बी फार्म। और चूंकि सबसे सस्ता अगर जो कोई ब्लॉक है, नेदर का जो ब्लॉक है वही सबसे सस्ता ब्लॉक है, तो मैंने उसी में बनाया। ये देखिए बी फार्म बनाया हमने। असल में नेट से जो ट्यूटोरियल देखे ना, तो मैंने बस खाली 5 तक था, लेकिन हम सोचे इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दें। तो ये रहा अपना बी फार्म से बल सा, ये छोटी मोटी कमाई हुई उससे बी फार्म से। और यहाँ पर सारे कुछ इकट्ठा भी हो गया, ठीक है? यहाँ पर अपना इकट्ठा होते रहता है। और ये जो है ना, ये सब जो ब्लॉक्स है, ये सब इसको बार बार भरते रहना पड़ता है। तो ये रहा अपना ऑटोमेटिक बी फार्म। पूरी तरह से ऑटोमेटिक नहीं है क्योंकि हमको बार बार डिस्पेंसर से मैं ये वाला जो कांच का जो बॉटल है ना, ये हमको इनपुट करना पड़ता है। बट आई थिंक इट्स ओके, आई थिंक इट्स इनफ फॉर नाउ। ओके, तो ये रहा अपना बी फार्म। पता है बी फार्म बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी ना, कि जब हम लोग यहाँ पे बी फार्म बना रहे थे तो यहाँ से बी निकल करके ना भाई, जो मेरे नीचे में वहाँ पे फार्म है वो देखो वहाँ पे चले जाते थे वो लोग। तो मतलब कि यार बार बार उनको यहाँ से लाना ले जाना। तो हम सोच रहे थे ना कि इसको एक बक्सा में बंद कर दें, ये मतलब कि ऐसा बॉक्स बना के बंद कर दें, लेकिन फिर ये लोगों को घुटन होने लग जाएगी, फिर ये लोग मतलब कि डिप्रेशन में बी चली जाएंगी कि मेरे को बंद रख दिया। तो मैं इसलिए क्या किया कि खुला छोड़ दिया। तो वैसे भी अधिकतर बीज यहाँ पे वहाँ पे अपना सारा बीज का जो भी है ना, ये सब खत्म कर दिया हमने। तो ये रहा अपना बी फार्म। और हम लोग अपना ऑटोमेटिक आयरन फार्म तो बन ही रहा है। अब अगला हम सोच रहे हैं कि सुगर केन फार्म बनाने के लिए फिर विदर स्केलेटन फार्म। यार विदर स्केलेटन का बहुत जरूरत है यार, क्योंकि हम लोगों को बनाना है विदर का लिए, फाइट करना है विदर से। 10 आयरन मिल गया है श्रद्धांजलि। चलो आयरन ले लेते हैं, क्या डबल चेस्ट इतना नहीं हुआ आयरन। तो ये रहा अपना, पता ये रेडस्टोन का यूज करते हुए ना ये बी फार्म बना हुआ है। और ये बी फार्म मतलब कि कहीं भी ये दोनों वर्जन में काम करता है, बेडरॉक में भी, आपका मोबाइल वर्जन में भी काम करेगा और अपना जावा वर्जन में तो काम करेगा ही। कहाँ चले गए बीज यार? एक निकला, एक और निकलेगा ना तो उन लोगों को प्यार करवाएंगे। दूसरा भी कहाँ गया? और इधर सेकेंड भी आ गया। देखो ये ठीक है, बाकी सारा फूल इसमें रख दे रहे हैं। एक और भी आ गया है, मतलब अभी देखना 7 हो गया होगा, लगा 7 आया होगा। तो ये रहा अपना एक सिंपल सा बी फार्म, ठीक है? वहाँ पे हम लोग का आयरन फार्म था, आयरन हम लोग यहाँ पे रख दे रहे हैं। यहाँ पे 32 आयरन पहले होगा। पता नहीं आजकल मेरे को सब कुछ याद होने लग गया है कि यार कहाँ कितना आइटम कितना कैसे, और कुछ याद करने के लिए है ही नहीं। खोपड़ी खाली है तो यही सब याद रहता है, ठीक है? चलिए कुछ तो याद रहा है। तो ये अपना हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग डे नंबर 293 पे आ गए। सोच लो लगभग 300 डेज क्रॉस होने हो गए हैं। और 300 डेज में हमारी कितनी कमी आई हुई है, ये हमने अजीब सा चीज़ बनाया भाई। मतलब कि यार ये मेरे को लगता था कि ऑटोमेटिक स्मेल्टर जैसा कुछ है, कुछ नहीं है यार, अजीब सी चीज़ है ये। देख रहे हो हमने क्या किया, हॉपर के ऊपर चेस्ट कनेक्ट कर दिया। तो ये चेस्ट से क्या होता है, हॉपर में आता है, हॉपर से आएगा इसमें से मेल्ट होकर के जाएगा इसमें। तो इसमें कोई बुद्धि लगाने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बस खाली वही है कि मैंने सोचा कि थोड़ा मेरा काम आसान कर देगा, तो मैं इसलिए उसको वहाँ पे कर दिया था। और ये देखिए अपना पिछला 55 का घर। यार अब यहाँ पे आयरन गोलम नहीं स्पॉन होता यार,
पता नहीं क्यों नहीं रिस्पॉन्ड होता है। हाँ यार देख रहे हो ये लोग यार बहुत बदतमीज होते हैं यार, कम बदतमीज नहीं होते ना ये लोग। कहाँ गया ये, कहाँ गया? देख रहे हो बिल्ली, ऐसे खोलो नहीं कि बाहर निकल आते हैं। आज इसको मेरा खून, मैं आज खून का प्यासा हूँ, आज तो मैं विलेजर्स को ना खत्म कर दूंगा। कहाँ गया? भाग गया क्या? मेरे को भी लगता है यहाँ आयरन गोलेम स्पॉन करने, देखो वहाँ भाग गया। यार ये विलेजर्स ना एकदम पेन इन दी एस होते हैं। यहाँ क्या कर रहे थे? 18 कोयला का एक एमरल्ड देगा, 11 का एक हो देगा, इससे घटिया कोई है? इसको मार दे क्या यार, मेरे पता है मेरा सोर्ड खुजला रहा है इसको मारने के लिए मैं मार दूँ क्या? प्लीज यार बहुत मन कर रहा है मारने को इसको, साले नालायक कमीने कहीं के। एक और यहाँ पर गधा विलेजर है, ये देखो यहाँ पर आ गया। अच्छा इसका कोई प्रोफेशन ही नहीं है। ये देखिए अपना अजीब सा एकदम नेदरराइट, हमको तो लगता है ना इतना घटिया जो हमने बनाया है ना भाई, इससे ज़्यादा सुंदर तो भाई नेदर लगता है जबकि नेदर की मटेरियल से ही बना है, एकदम वाहियात लगता है, कम्प्लीटली बेकार लगता है गाइस लेकिन क्या करें यार, टेढ़ा है पर मेरा है अपना एक मस्त नाइस सा मॉर्निंग हुआ है गाइस। आज पता है आज कुछ हम लोगों को लकड़ी उकड़ी लाना है। पता है एक बार क्या हुआ था कि मैं ऐसे कहीं लकड़ी लेने निकला कहीं इधर उधर, तो मेरे को नीचे में कोई गांव दिखा गाइस, एकदम गजब का नीचे का गांव था। मेरे को मैं सोचा कि वहां से कुछ ले लो, बट कुछ नहीं था, वो तो हमसे भी गरीब थे, फकीर थे यार, एकदम कम्प्लीट फकीर थे। ठीक है तो फकीरों से आप क्या ले सकते हो सिवाय दुआओं के तो उनका दुआ लेकर के आ गए कि आने वाले और भी कई सारे विलेजर्स को हम लोग पकड़ करके कैप्टिवेट करेंगे, जंगल में डालेंगे, जेल में डालेंगे। ये यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं अभी क्या बनाऊँ, मैं सुगर केन फार्म बनाऊँ या फिर कोई और कुछ फार्म बनाऊँ। ऑटोमेटिक सुगर केन फार्म, पता है हम सुगर केन फार्म ना बिना कोई ट्यूटोरियल के दे सकते, क्योंकि ये कोई बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई भी सुगर केन फार्म आराम से बना लेगा। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एफिशिएंट फार्म बने, और मेरे को पता है बो यूज किए बहुत टाइम हो गया गाइस। ये देखो विलेजर यहाँ पे आ गए, अगर जब इसको मारेंगे तो शायद ये हमको मारेगा, क्यों पता नहीं, मैंने कोई थ्योरी टेस्ट किया बहुत टाइम। देखो अगर जब इसको मारे भाई मारे, यार इतना बड़ा गधा है, इतना बड़ा रेलवे ट्रैक नहीं पर फान पा रहा है अजीब है ना। फ्री का आयरन, आयरन गोलेम, मेरे को मन कर रहा है ना भाई एक और आयरन फार्म बनाने के लिए। यार ये सब बीज वीज कहाँ से आ गई? मेरे ख्याल से ये बीज हमारी है, क्यों ये हमारी बीज है क्या? ओ बीज इधर आओ यार, तुम लोग कहाँ चले जाती हो? बीज इधर आओ, दूसरा वाला कहाँ गया? तुम लोग कहाँ चली जाती हो जी, यहाँ क्यों कर रही हो, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा फार्म तो वहाँ पे है, अच्छा अच्छा इधर आ जाओ। यार ये लोग भूल भटक जा रहा है, यार ये नहीं, ये जो बीज है ना ये बार बार खो जा रही है अपना रास्ता, यार यही चीज मेरे गुस्सा दिला रहा है। अच्छा इधर आओ, क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये लो चलो प्यार करो एक दूसरे से, और ठीक है कहाँ ये लोग खोज रहे हैं? सिर्फ इन लोग पास 9 घर है, पता है एक ये जो ब्लॉक है ना हनीबी के लिए जो बी नेस्ट का हो या फिर इसको बी हाइव, ये कहेगा बी नेस्ट और ये होगा बी हाइव, ये पता है मैक्सिमम 3 बीज रख सकता है, तो इस हिसाब से मेरे पास 27 बीज होनी चाहिए, लेकिन ये लोग पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, मेरा दिमाग ख़राब करते हैं। ओके तो गाइज अपना एक मस्त ब्यूटीफुल सा अपना एक सिनेरियो है, और बताइए आपका दिन कैसा जा रहा है, कैसा है स्कूल जा रहा है, अगर जो कॉलेज जा रहा है, ट्यूशन जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, कैसा जा रहा है, मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में? मज़ा नहीं आ रहा तो बताइए क्या चीज़ करने से मज़ा आएगा? माइनक्राफ्ट खेलने से मज़ा आएगा तो ये बताइए माइनक्राफ्ट में आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, सर्वाइवल पसंद है कि पीवीपी पसंद है? मेरे को पता है मेरे को पहले पीवीपी पसंद था, पर अभी आजकल थोड़ा चिल हो रहा है क्योंकि यार अकेले खेला नहीं जाता है, और
मैं बहुत ही ईविल आदमी हूँ गाइज, मेरे इतना शैतान कोई होएगा नहीं, ठीक है। तो यही मेरे को अपडेट देना था कि मैंने एक बीपार बनाया है और मैं सोच रहा हूँ कि कुछ आगे कुछ भयंकर सा कुछ फॉर्म बनाने के लिए, एक्चुअली बनाने के लिए बहुत कुछ है पता है, हम आपको बता रहे हैं आगे करने के लिए क्या क्या। आगे करने के लिए ना शुगर केन फार्म बनाना है, उसके बाद से मेरे को पता है नेदर को ना एंड पोर्टल से कनेक्ट करना है, नेदर पोर्टल से एंड पोर्टल कनेक्ट करना है। और सबसे ज़्यादा मेरे को अभी टेंशन सता रहा है बताएं विदर से लड़ने के लिए मेरे पास। हमने पता है हम नेदर में जाकर के ना, ये देखिए नेदर में जाकर हमने करीब 180 इस विदर स्केलेटन को मार करके ना गाइस ये ले लिया था। क्या कहते हैं, कहाँ गया विदर स्केलेटन, कहाँ गया? अरे यार बड़ी मुश्किल से मिला था मेरे को, ओह माय गॉड। अरे गाइस पता नहीं कहाँ चला गया यार, ऐसा ना करो यार मेरे साथ, बहुत मेहनत से मिला था यार वो। हम पता है सबसे ज़्यादा अगर जो मरे हैं तो हम नेदर में मरे हैं लेजेस के कारण, और विदर स्कल्स इकट्ठा करने के लिए जब विदर स्केलेटन से मरे थे तब मरे थे यार, पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे पास 14 था, मेरे ख्याल से इसमें होगा, क्यों गई मैं नहीं है, मेरे ख्याल से इसमें होगा पक्का, मेरी तुरी की इसमें भी नहीं है, कहाँ चला गया यार। अरे यार कहाँ चला गया, रुलाओ मत भाई, बड़ी मेहनत से लिए थे हम उसको, अरे बहुत बार मरे थे भाई, बहुत बार मरा था हम, ओह माय गॉड व्हाट द हेल इज दैट। अरे यार पता नहीं कहाँ चला गया मेरा विदर स्कल यार, इतना सारा विदर स्कल हमने इकट्ठा करी थी। यहाँ है गधा कहीं का, यहाँ क्या कर रही है, ये तो आर्मर का ये स्लॉट है ना, ये आर्मर का चेस्ट है, वेपन का चेस्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था यार, फालतू का मेरे को डरा दिया था यार। ओह माय गॉड भाई इसके पीछे हम बहुत खून बहाए, कितना बार हम शहीद हुए हैं, मेरे पता 50 XP 50 XP ख़त्म हो गया था, मेरा पूरा आइटम चितराया हुआ था नेदर में, नेदराइट सोर्ड सब कुछ चितराया हुआ था, मैं अपनी डेड बॉडी के पास कई कई बार गया सिर्फ इसी को इकट्ठा करने के लिए। ये विदर स्केलेटन आजकल सबसे ज़्यादा पेनफुल था मेरे को फाइंड करना, ओह माय गॉड इट वाज रियली पेनफुल। अभी आपको हम दिखाएंगे किसी एपिसोड में जब विदर स्केलेटन के लिए ऐसे मैनुअली लड़ रहे होंगे ना, तब आपको समझ में आया कि बंदे ने कितनी मेहनत करी है। और ये सभी पता है ये स्कल सेंसर भी मिला है लेकिन उसमें उतना मेहनत नहीं लगा है, जब भी वार्डन निकलता था तो मैं निकल के भाग जाता था गधों के जैसे, तो उसमें मेरे को उतना टेंशन नहीं है, लेकिन विदर स्केलेटन स्कल मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है। अब बताइए हमको अगला क्या करना चाहिए। और हाँ कमेंट सेक्शन में यार लिखिए कि कुछ नाम हो सजेस्ट करो यार, एकदम गुमनाम सा जगह है, एक छोटा मोटा बेकार स्टेशन का भी नाम होता है, इस अपने इस वर्ल्ड का कोई नाम ही नहीं है, एक ऐसा कोई नाम दीजिए ना जो कि एकदम सुनने में अच्छा लगे और एकदम बढ़िया सा काफ़ी 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 टाइम तक वैसा ही रहे, क्योंकि यार पता है ये एक दिन का जर्नी नहीं है, आने वाले कई कई साल तक कई 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 राम की माँ नहीं राम जी की माँ नहीं कई कई साल तक ऐसा ही चलते रहेगा, कई कई साल तक इसका वही नाम रहेगा। तो एक अच्छा सा कोई नाम बोलिए जो कि मैं इसका नाम रखूं और फिर मज़ा आएगा, ठीक है। इसका कुछ नाम देकर के यहाँ पर शुगर केन फार्म बनाना है, उसके बाद से हम लोग यहाँ पे जब दिवाली वाली आएगा तो सोचेंगे इसमें दिवाली में कुछ ना कुछ बनाने के लिए। और हाँ आपने बार बार कमेंट करते हो तो भैया अपना नाम भी बता दिया करो, आपका नाम यहाँ लिखा करेंगे, जैसे कि एक बंदे का हमने लिखा था ना नाम, कहाँ गया ये देखिए 3 2 1 देखिए, तो ये हमने नाम लिखा था ये, तो इस तरीके से आपका भी नाम लिख दिया करेंगे कहीं ना कहीं, कुछ नहीं तो कम से कम साइन ब्लॉक से तो लिख ही दिया करेंगे, ठीक। ये देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ, हम धीरे धीरे 18 अप्रैल 2023 आई बिल्ट माई फर्स्ट आयरन फार्म, मैंने 18 अप्रैल को पहला आयरन फार्म बनाया था, 35 सब्सक्राइबर ऑन YT, उस समय मेरे पास 35 सब्सक्राइबर थे, आज इस एपिसोड के वक्त मेरे 39 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो चलिए एक और हम लोग बना देते हैं, ठीक है, एक और ऐसे ये बनाते हैं और इसको ऐसे करके ना आज का भी लिख देते हैं ना भाई क्या क्या हुआ है आज, ठीक है लिख देते हैं आज क्या हुआ हम लोग के साथ। आज पता है आज हमने हनी बी फार्म बनाया, ठीक, आज हमने बी फार्म बनाया है, और इसको कहाँ लिखा जाए वैसे, आई डोंट थिंक सो कहाँ लिखा जाए। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा आज कितनी तारीख है, आज है 26 अप्रैल 2023 आई बिल्ट माई फर्स्ट हनी बी फार्म, ठीक है, हनी बी फार्म, ये पता है ये हम इसलिए लिख रहे हैं ना ताकि आज के आने वाले कई कई साल के बाद से ना जब हम लोग इसको वापस देखें तो समझ में आए कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर थे। वैसे पता है एक और हम लोग को लिखना होगा, पहले यार सो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रात को यार क्रीपर वीपर आकर के ना सारी चीज़ों को उड़ाने के लिए, देखो कितना सुंदर लग रहा है गाइज, बहुत सुंदर लग रहा है, मज़ा आ रहा है देखने, देखो उधर आयरन गोलेम फुका रहा है, उसका होलिका दहन हो रहा है
चलो सजा कहाँ लिखा जाए, खूब दूर लिखते हैं ठीक है, ताकि कभी हम लोग जिंदगी में कभी देखेंगे ना तो दिखेगा अरे यार मजा आ जाएगा देख करके, क्यों ए ओके ये देखो मैं अभी देखो क्या क्या करता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाउन में जाऊँगा ओके ये यस ठीक, और यहाँ जाऊँगा ये करूँगा ठीक, और मैं ना यहाँ पे इसको ऐसे कर दूँगा ठीक, और यहाँ पे लिखूँगा नहीं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, क्यों क्या लिखेंगे हम लोग 26 अभी मेरे पास पता है 26 अप्रैल 2023 आई हैव 39 सब्स ऑन YT 39 सब्स सब्सक्राइबर सब्स ऑन YouTube ओके ये 26 अप्रैल को मेरे पास 39 सब्सक्राइबर्स थे ये, अब पता है इसको हम लिख दिया ना ऐसे, अब आज के कई साल बाद ना भाई अगर जम जाएंगे ना तो हम देखेंगे कि यार अंदर में कुछ है तो मज़ा आएगा देखने में ये तो अच्छा गाइस आगे का बताएं, आगे का मेरा प्रोजेक्ट क्या है ना, आगे का मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी सारी चीज़ें बनाने का है ठीक है, लेकिन क्या है कि मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि पहले मैं शुगर केन फार्म बनाऊँ, मेरे को पता है भाई एक लंबा सा पाथवे बनाना ठीक, मेरे दिमाग में एक खुराफात चीज़ है जो आपको और कोई चैनल पे देखने नहीं मिलेगा, अब हम सोच रहे हैं कि ये शुगर केन फार्म बनाएं कि एमरल्ड फार्म बनाएं कि विलेजर ट्रेडिंग हॉल बनाएं, मेरे को मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ यार, तो एक चीज़ हेल्प करना कमेंट सेक्शन में बता देना कि आने वाला जो फार्म है वो हम कौन सा बनाएं ठीक, उसके बाद से अगर जो आप कमेंट करते हो तो हम अरे हाँ एक फॉल किसी ने कमेंट भी करी थी क्यों रॉयल्स गेमिंग करके कोई बंदा था ठीक, उसका भी मतलब यहाँ पर नाम लिख दे रहा ठीक, कहाँ लिखा जाए ओके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, अगर जो आप वीडियो पे कमेंट करोगे ना जरूर लिखेंगे ठीक, रॉयल्स गेमिंग नाम था ठीक ओके ये करो और ये पता है इसको अंदर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऊपर से लाइटनिंग गिरेगा तो ख़राब होने के चांसेस है ठीक है, तो रॉय सब्स कौन कौन सब्स हैं माई सब्सक्राइबर्स ठीक, माई सब्स थे रॉयल्स गेमिंग फॉल कैस गेमिंग जो सब्सक्राइब करेगा सबका पूरा नाम लिख देंगे पूरा एकदम वर्ल्ड भर देंगे सब्सक्राइबर से, ताकि एक बार अगर जो लेटर लेकर के उड़ेंगे ना भाई तो लगेगा कि अरे बंदा बहुत मजा आया है बहुत लोगों के सपोर्ट से बनाया है ठीक है गाइज, तो मेरे को एक छोटा सा एक अपडेट देना था ये कि मैंने मतलब कितना सारा प्रोग्रेस किया है ये सब चीज़ें बनाया है, आने वाला टारगेट में शायद हम लोग शुगर केन फार्म बनाएंगे और उसके बाद से कई सारे फार्म और बनाएंगे, मैं सोच रहा हूँ ना कि एक जनरल टॉपिक पे मतलब वीडियो डालूँ जैसे कि आपके डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है ना, मैं उस बेसिस पे कुछ वीडियो डालना चाह रहा हूँ क्योंकि यार गेम प्ले तो अपना रहेगा, गेम प्ले के साथ ही कुछ और एक्स्ट्रा आ जाए तो खूब मजा ही मजा आ जाए, तो गाइज एक सुंदर खूबसूरत नजारे का एक लुत्फ उठाइए ठीक है, ये टेक्सचर पैक हमको बहुत ब्यूटीफुल लगता है, सो गाइज थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय सी यू।